नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और एक बार फिर हम अपने स्टूडियो से बाहर निकलकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि दिवाली का मौका है और सभी की शॉपिंग शुरू हो चुकी है। और शॉपिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है मिठाइयाँ, और मिठाइयाँ भी खास है लखनऊ की, क्योंकि लखनऊ में हर वैरायटी की मिठाई मिलती है। और जब बात हो मिठाई की, तो कुछ ऐसी आपकी पसंदीदा दुकानें हैं जहाँ के रेट्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इस बार सबसे पसंदीदा कौन सी मिठाई है लोगों की, और जनता किस मिठाई को सबसे ज्यादा पसंद कर रही है। रेट्स के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे, तो चलते हैं। दिवाली की शॉपिंग है तो मिठाई तो जरूरी है, और इसी मिठाइयों के बारे में हम जानेंगे कितनी तरह की वैरायटी है और क्या है इनका प्राइस। तो सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। आदित्य। ओके, तो यहाँ पे दिवाली की शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल मैम। ओके, तो क्या लोगों पे महंगाई का असर पड़ रहा है या फिर लोग दिल खोल के शॉपिंग कर रहे हैं? दिल खोल के कर। अच्छा, तो कितनी वैरायटियां हैं इस टाइम दिवाली के मौके पर? स्वीट्स में देखा जाएगा तो मैम करीब आपको 150 के अबव मिलेंगी वैरायटीज जी, एंड ड्राई फ्रूट्स और गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह भी हैं सारे अपने पास। तो मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस क्या है? मिनिमम प्राइस लगभग मैम आज की डेट में सारा देखा जाए तो 550 से स्टार्ट होता है जी, और मैक्सिमम जाएगा आपका 2400 तक। तो सबसे हाईएस्ट प्राइस वाली मिठाई कौन सी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। हाईएस्ट में मैम आपको देखिए बकलावा होता है, प्रीमियम स्वीट्स होती है जी, जो कि टर्किश होता है, इम्पोर्ट होके बनता है इसका। जितना भी ऊपर का ये बना हुआ है ये टर्की से इम्पोर्ट होके आता है इसका जी। और हनी से मीठा होता है ये, एंड ड्राई फ्रूट की स्टफिंग होती है। ये सबसे कॉस्टली होती है और प्रीमियम होती है। अच्छा, जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए क्या खास है आपकी शॉप में? मैं अपने पास ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए अपने पास है, सारी वैरायटीज अवेलेबल है जी। ये इसमें एक डिस्प्ले के लिए लगा हुआ है कि इतने वैरायटीज हमारे पास अवेलेबल है। वैसे देखें तो आपके पास अंजीर फिजी मिल जाएगा, डेट बेरी मिल जाएगा, ड्राई फ्रूट लड्डू है अपने पास, एंड लड्डू भी है मोतीचूर का, बड़े बूंदी में आता है। अच्छा, इस बार लोगों को सबसे ज़्यादा कौन सी मिठाई पसंद आ रही है? मैम रेगुलर अपने यहाँ तो जैसे क्या है, खोया और स्वीट ज़्यादा चलता है जी, एंड सेकंड नंबर पे हमारा जैसे हमने बकलावा बताया, जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं या जो भी इसको लेते हैं एक बार, वो इसको ज़रूर दोबारा प्रेफर करते हैं। अच्छा, और सबसे कम रेंज की मिठाई कौन सी अवेलेबल है? सबसे कम रेंज में तो मैम आपको बर्फ़ी मिलेगी। अच्छा, खोए की बर्फ़ी। तो सभी चीज शुद्ध देसी घी से बनी हुई है? यस मैम, जितना भी स्वीट का प्रोडक्शन है सारा शुद्ध घी का है। अच्छा, और मिठाइयों के अलावा क्या कुछ अलग रखते हैं दिवाली पे? दिवाली पे मैं मिठाइयों के अलावा तो देखिए अपने पास गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं, इधर देखिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं, और ड्राई फ्रूट्स की ट्रे वगैरह जो कॉम्बोज रहते हैं, ड्राई फ्रूट के साथ आपको स्वीट भी मिल जाएगा, ये सारा रहता है। अच्छा, कुछ स्पेशल गिफ्ट का आपने अरेंजमेंट किया है कि मतलब जब कोई कस्टमर शॉपिंग करेगा तो कुछ गिफ्ट देने का जैसे रहता है कुछ शॉप पे? मैम ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसने मतलब क्या गिफ्ट है, कैसा आइटम है, जो किसने कितने क्या लिया, कितने की शॉपिंग की, उस पर डिपेंड है। ओके, तो दिवाली के बाद क्या गिफ्ट मिलने वाला है आपके स्टाफ को? अब ये तो ओनर बताएंगे उनके पास। चलिए हम स्टाफ से भी जान लेते हैं कि उनकी इस टाइम कैसे काम चल रहा है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस टाइम आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं? बहुत ज्यादा बिजी हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं, कैश काउंटर की तरफ देखते हैं कि कितना बिजी चल रहा है सब कुछ। तो यहाँ के भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि सब कुछ बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है, कस्टमर्स भी हैं और जितने भी वर्कर्स हैं यहाँ पे स्टाफ है, सब बिजी ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ स्वीट्स ही नहीं मिलेंगी आपको, डिजर्ट्स भी मिल जाएगा और अलग अलग तरह की पेस्ट्रीज भी है, डेकोरेशन भी यहाँ पे बहुत प्यारी है और गिफ्ट के पर्पज से भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, तस्वीरें देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे कस्टमर से भी जानेंगे कि उन्हें यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या कुछ पसंद आ रहा है और कौन सी स्वीट उनकी फेवरेट है। एक्सक्यूज मी मैम, 2 मिनट। ओके मैम, आप यहाँ पे दिवाली की शॉपिंग करने आई हैं? स्वीट्स की शॉपिंग करने आई हैं। ओके, तो दिवाली पे आप कौन सी स्वीट लेना पसंद कर रही हैं? जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए विदाउट शुगर वाला और सीजनल। अच्छा, सबसे ज्यादा आपको कौन सी मिठाइयाँ की पसंद आती है? सभी ठीक होती हैं, सभी टेस्टी होती हैं। ओके, आपका नाम क्या है? सौम्या श्रीवास्तव। ओके, आपको यहाँ पे जो गिफ्ट दिख रहे हैं तो सुंदर सुंदर है, पैकिंग बहुत अच्छी है, तो क्या आपको पैकिंग अच्छी लगी? या आई रियली लाइक द पैकिंग, इट्स वेरी गुड। ओके, तो क्या भाई दूज की शॉपिंग भी यहीं से होने वाली है?
या श्योर ऑफ कोर्स, इतनी सुंदर पैकिंग है। अब केक और पेस्ट्रीज के बारे में क्या कहेंगी, दिवाली की शॉपिंग में क्या ये भी ऐड होने वाली स्वीट्स के साथ? वेल ऑफ कोर्स ऐड होने वाली, केक पेस्ट्रीज तो हम लोग की फेवरेट है और यही से लेंगे। अच्छा, कितनी शॉपिंग हो रही है, क्या लगता है सबसे ज्यादा बजट यहीं पे जाने वाला है? आई थिंक सो यस, स्वीट्स की शॉपिंग तो सबसे ज्यादा होती है। चलिए अब आगे भी बढ़ते हैं और बाकी कस्टमर्स से भी जानते हैं कि उन्हें क्या पसंद आ रहा है। वैसे यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी दिख रही है, तो सर 2 मिनट आपका टाइम मिलेगा जी। शॉपिंग करने आए हैं तो सबसे ज्यादा क्या अच्छा लग रहा है आपको? यहीं से मिठाई ले जाते हैं फिर लेने आए। अच्छा, कुछ ज्यादा जल्दी शॉपिंग हो रही है आपकी, क्योंकि अभी दिवाली में तो कुछ दिन बाकी है। बहुत भीड़ हो जाएगी। ओह, भीड़ हो जाएगी। सबसे फेवरेट आपको कौन सी मिठाई लगती है और जिसके रेट भी बहुत अच्छे हैं? तो ये काजू बोट ले जाते हैं रखा हुआ जी, और ये अच्छी मिठाई है। इनके यहाँ सभी मिठाइयाँ वैसे अच्छी होती हैं। और फ्रेश गिफ्ट और ड्राई फ्रूट्स में क्या कुछ चूज करनी नहीं लेते हैं? ठीक है, ओके, आगे भी जानते हैं। मैम आप क्या लेना पसंद करेंगे? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। दीपा जी, आपको क्या पसंद आ रहा है सबसे ज्यादा? हमको यहाँ के लड्डू सबसे अच्छे लगे। अच्छा, लड्डू की तरफ हम दिखाना भी चाहेंगे कि कितनी अच्छे कलरफुल लड्डू दिखाई दे रहे हैं, सभी को अट्रैक्ट करेंगे ये। और आप अभी से दिवाली की शॉपिंग कर रही है तो भाई दूज की भी शॉपिंग क्या यहीं से होने वाली है? हाँ, भाई दूज की और दिवाली दोनों की शॉपिंग आज ही कर लेंगे जी। ओके, तो भाई दूज की शॉपिंग भी चल रही है, सिर्फ दिवाली ही नहीं, बाकी हम आगे भी आपको दिखाते हैं कि कितनी वैरायटी है यहाँ पे। स्वीट्स हो या फिर समोसे भी देख सकते हैं आप, कितने अच्छे अच्छे हैं और अलग अलग वैरायटी दिख रही है स्वीट्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मिठाइयाँ तो इतनी अच्छी हैं कि देख के किसी के भी मुंह में पानी आ जाए, और त्योहारों का टाइम में तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल लग रही हैं। तो अब हम काउंटर पे जानते हैं कि कौन सी मिठाई और क्या स्पेशलिटी है जी। तो यहाँ पे जी काला जाम है जो कि इतना सुंदर लग रहा है, चांदी की बरक लगी हुई है, चंद्रकला, खीर कदम, गुलकंद रोल, अलसी का लड्डू, ये मोतीचूर लड्डू है, मेवा मोती चूर, शुगर फ्री मेवा लड्डू, बेबी गुजिया, सोन पापड़ी, गुजराती गिलौरी, चोको आलमंड बर्फी, बेसन लड्डू, बाकी काजू में भी हमारी कई वैरायटी है। तो इस काउंटर पे भी जान लेते हैं क्या अलग है, क्योंकि यहाँ पे एक दिख रही है रोज डेट लड्डू, तो ये किस तरह से अलग से बना हुआ है, इसमें क्या खास है? इसमें मैम काजू का वो होता है और रोज डेट यानी ऊपर से रोज की पत्ती लगी हुई है। तो ड्राई फ्रूट्स में भी अब जान लेते हैं कि यहाँ ड्राई फ्रूट्स में क्या कुछ खास, और पैकिंग भी बहुत अच्छी लग रही है, गिफ्ट के पर्पस से ये बहुत अच्छा है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दिवाली पे सिर्फ स्वीट्स मिठाइयाँ नहीं चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट्स लेना भी पसंद करते हैं। मधुरिमा में इसकी भी काफी वैरायटी है, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पैकिंग के साथ यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी अवेलेबल है। और ये भी जानते हैं हम कि यहाँ पे क्या क्या है ड्राई फ्रूट्स में, तो सर क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है ड्राई फ्रूट्स में? ड्राई फ्रूट में MDF बॉक्स है, बढ़िया ट्रे है, सब सुंदर ट्रे है बढ़िया। बाकी थाली का प्राइस क्या है, ये जो सबसे बड़ी प्यारी सी थाली है इसका प्राइस 4,250 रूपए है। ओके, सबसे छोटी प्लेट या फिर पैकिंग कितने की है? 900 रूपए से 12,000 तक। ओके, 900 रूपए से 12,000 तक की पैकिंग है ड्राई फ्रूट्स की। चॉकलेट्स में क्या कुछ अवेलेबल है? चॉकलेट्स में प्रीमियम चॉकलेट है, क्लासिक चॉकलेट है, बार चॉकलेट है, फरारो रोचर, यही कई प्रकार की चॉकलेट। ओके, तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट से लेके चॉकलेट्स तक सभी कुछ अवेलेबल है, और पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पैकिंग है। तो यहाँ पे जनता जरूर आना चाहेगी, और यहाँ के बाद हम आपको और भी जगह लेके चलेंगे जहाँ पे मिठाई हो, चॉकलेट्स हो या फिर ड्राई फ्रूट्स हो, सभी अवेलेबल है। और जनता के मुंह पे सबसे पहले इन्हीं दुकानों के नाम क्यों आते हैं ये आपको आज पता चलेगा। Yeah.
तो यहाँ की भीड़ भी आप देख सकते हैं। और हम आपको ये भी बताने के लिए यहाँ पे मौजूद है कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, कौन सी मिठाई सबसे खास है, और यहाँ की स्पेशल जो पैकिंग है वो भी आपको दिखाएंगे, और साथ ही रेट्स भी बताएंगे कि इस टाइम दिवाली पे आपको किस रेट पे यहाँ पे मिठाइयाँ मिल सकती हैं, और जो गिफ्ट हैम्पर्स है तो वो उसकी प्राइस क्या है। तो सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम कार्तिक गुप्ता है। ओके, आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं यहाँ पे ऑपरेशंस देखता हूँ सारे। ओके, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे मिनिमम प्राइस क्या है स्वीट्स का, और मैक्सिमम प्राइस क्या है? मिनिमम प्राइस तो यहाँ से स्टार्ट है, 680 से हमारा मिक्स का स्टार्ट है, और मैक्सिमम हमारी जो सबसे एक्सपेंसिव स्वीट है वो है एक्जोटिका, वो 50,000 पर किलो के हिसाब से है। ओके, तो इतनी महंगी क्यों है ये? इसके एक्चुअली महंगी होने का मेन रीज़न हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे इंग्रेडिएंट्स बाहर से आते हैं, और बहुत डेडिकेशन से मिठाई इन्वेंट की गई है। इसमें गोल्ड 24 कैरेट एडिबल गोल्ड की प्लेटिंग भी है, इसीलिए इसका एक्सपेंसिव। ओके, तो सबसे पहले आपका नाम? क्षितिज गुप्ता मेरा नाम है, मैं मार्केटिंग PR हेड हूँ यहाँ पे। जी, तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मानता हूँ कि हमारी कोशिश ये रहती है, हम हर एक की इज्जत करते हैं, क्योंकि वो कोई हमसे पहले हैं, कोई हमसे जो है बाद में आए, हर एक अपने अपने वैल्यू बनाने की कोशिश की है हमारा, लेकिन ये रहा है कि हम जो दें बेस्ट दें। हम लोग को ये कोशिश रहती है कि हम ऐसी चीज़ दें लोगों को जो कि जब लोग दे के जाए तो बोले कि वाह क्या बात है, ये मुझे चीज़ आज समय देखी नहीं है, हमारी कोशिश ये रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हमारी आप पैकेजिंग देखेंगे तो हमारे जो ओनर है उन्होंने फोरसाइटनेस की कि किस तरीके से लोगों को और अपीलिंग बनाए। हमारा मोटिव भी यही था कि किस तरीके से मिठाई हमारी जो संस्कृति से इतना जुड़ी हुई है, किस तरीके से हम लोग उसको नए तरीके से दिखाए कि लोगों को और मज़ा आए उस चीज़ को, क्योंकि मिठाई हमारी आयुर्वेदिक समय से चली आ रही है, और किस तरह, और जैसे कि आपको पता है कि 20 साल पहले इसमें कुछ मीठा हो जाए ने करा, लेकिन वही इस चीज़ को हम लोग ने सोचा कि यार क्यों ना अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू जो हमारी कल्चर से जुड़ी हुई है उसी को, तो उसी से हमने सोचा बाइट्स हमारे यहाँ की, तो वो हमारे यहाँ की पहली मॉडर्न स्वीट बनी जिसने आप यकीन करें शेल्फ लाइफ इसकी 1 महीना है विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, और उसमें ट्रांसजैट फ्री है, ट्रांसफैट फ्री। उसके अलावा जैसे कि हमारे ऑपरेशंस हेड ने बताया कि कैसे एक्जोटिका इन्वेंट की गई, तो सोने की मिठाई जो हमारे यहाँ की बनाई गई है तो उसकी भी एक अपना अलग ही एक्सपीरियंस है। सोने की मिठाई यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस है, और हो भी क्यों ना, आखिर इतना नाम भी है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ कितनी रेंज की मिठाइयाँ अवेलेबल है? मैम अगर ओवरऑल बताऊँ हमारे यहाँ 400 से ज़्यादा वैरायटी की मिठाइयाँ बनती हैं, बट इस समय आपको जैसे कि हर एक पर्पज़ के लिए, जैसे प्रसाद के लिए हो गया लड्डू सारे हैं हमारे पास, प्रसाद के पूजा के पर्पज़ से खोए की मिठाइयाँ हैं, उसके अलावा बांटने के लिए लोगों ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद आते हैं, तो ड्राई फ्रूट की कई तरीके की मिठाइयाँ हैं, काजू बर्फी हमारे जो सबसे फेवरेट रहता है, हर एक कोई बच्चा खाता है। उसके अलावा हमारे इस बार जैसे प्योर ड्राई फ्रूट्स की भी काफ़ी डिमांड, जैसे काजू बर्फी बताया वैसे उसी सिमिलर पैटर्न में बादाम बर्फी, चिलगोज़ा बर्फी, और आपका पिस्ता बर्फी हो गई। उसके अलावा जो है हमारे यहाँ स्पेशल में आप बोलेंगी तो नमकीन्स काफ़ी वैरायटी की है, तो जैसे मैं आपको बताऊँगा मेवा दालमोट एक हमारे यहाँ की रही है, सो उसका बहुत इतना पसंद किया गया कि वो एयर इंडिया के बिजनेस क्लास में सर्व की गई है, तो वो भी लगे काफ़ी लोगों को पसंद आती है हमारे यहाँ की मिठाई। तो देखा आपने कि यहाँ पे कितनी वैरायटियाँ हैं, और भीड़ भी आप देख सकते हैं पीछे कि दिवाली की शॉपिंग शुरू हो चुकी है, लोग भीड़ ये बता रही है कि दिवाली की शॉपिंग शुरू हो चुकी है, और इतनी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव यहाँ पे पैकेजिंग है जिससे लोग काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं, और लोग शॉपिंग करने यहाँ पे दूर दूर से आते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे डिमांडिंग और सबसे हाई रेटेड मिठाई के बारे में जो कि एक्जोटिका है। एक्जोटिका आप देखेंगे जिसके बारे में बताया जाता है कि ये गोल्ड से बनी हुई है, एडिबल गोल्ड से बनी हुई, इसीलिए इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई है, इसकी जो कवरिंग है वो गोल्ड से बनी हुई है। तो अब आपको हम दिखाते हैं, तो हमारे सामने एक्जोटिका आज की जो कि बहुत प्यारी सी पैकिंग में आप देख सकते हैं, प्लीज़ इसे ओपन करिए। जी, ये एक्सोटिका का इन्वेंशन बैक इन 2010 में हुआ था जी। और इसको बनाया इसलिए गया कि जैसे कि आप जैसे कि हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस होता है मैम, आप जब स्ट्रीट फूड खाते हो उसका अलग होता है,
फाइव स्टार में जाते हैं उसका अलग होता है, वैसे इस मिठाई का एक अलग एक्सपीरियंस है। ये मिठाई एक लग्जरी का फील देती है, जैसे कि आप किसी को भी देंगे चार पीस भी, वो अपने आप को एक केयर का एक सिंबल रहता है और एक स्पेशल, जैसे एक होता है ना मोमेंट कि हमें किसी स्पेशल वन को दे रहा हूँ, तो एक वो सिंबलाइज करता है। मतलब कह सकते हैं वो टाइम में जब गोल्ड गिफ्ट करते थे, गोल्ड की मिठाई गिफ्ट करो। मैम एक्चुअली गोल्ड में मालूम है बहुत मिथ है ये कि गोल्ड फॉइल एक्चुअली हमारे राजा महाराजा भी सब खाते थे और उसमें जो इसकी हेल्थ प्रॉपर्टीज भी हमारे आयुर्वेदा में भी लिखी गई है। जी मैम, तो मैम मतलब कि जैसे कि बनाने का यही तरीका, इसका यही तरीके कि किस तरीके से एक मिठाई को हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पर दिया जा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अपने भारतीय संस्कृति को फिर से रिवाइव कर सकते हैं वो चीज़ें खा के जो हमारे पहले के बुजुर्ग लोग खाते थे और जो रॉयल फीलिंग एक खाती है। इसका प्राइस क्या है? मैम ये आपको 4 पीसेस का पैक, उसका 2000 रुपीस का है। ओके, ये छोटा सा प्रिटी सा पैक 2000 का है, वाओ। ओके, और अब हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं ब्लूबेरी बाइट। ओके, ब्लूबेरी बाइट जो कि हमें यहाँ से दी गई है ट्राई करने के लिए, जो कि बहुत अच्छी लग ही रही है देख के भी। ब्लूबेरी बाइट है, आप देख सकते हैं। ओके, ट्राई करते हो ब्लूबेरी और ड्राई फ्रूट का ये अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। थैंक यू। यूँ तो लखनऊ में काफ़ी दुकानें मशहूर हैं मिठाइयों के लिए, लेकिन आज हमने कुछ ही पे जाके उनका हाल जाना कि कैसी रौनक है दिवाली की, और साथ ही अब हम आपके लिए रोज़ इसी तरह से कोई ना कोई रिपोर्ट लाते रहेंगे और दिखाएंगे किस तरह से बाजारों में रौनक है और कैसा असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन मन्ना के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, प्राइम टीवी लखनऊ।